हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, समघाती अवकलन समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है कि मान लो एक फंक्शन दिया है टू वेरिएबल्स का, यदि उनकी घात सभी की वेरिएबल्स की घातों का सम इक्वल सेम हो इक्वल तो वो होमोजेनियस होता है। तो इसके आपके जो एग्जाम्पल दिए हुए नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे चेक करेंगे कि होमोजेनियस है। यदि हम एक्स और वाई की जगह पर एक लैम्डा वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके उसको पुट करते हैं और यदि लैम्डा इसका कॉमन आ जाता है या लैम्डा कॉमन आता है और इस रूप में आ जाता है तो वह होमोजेनियस है। इसमें ये फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है यह होमोजेनियस नहीं है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको एक्स और वाई के स्थान पर लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे और लैम्डा आपका कॉमन बाहर आ जाएगा और आपको फंक्शन आप एक्स वाई वेरिएबल के रूप में मिल जाए। तो यदि एक कंडीशन को संतुष्ट करता है तो वो होमोजेनियस होगा और जो नहीं संतुष्ट कर रहा वो होमोजेनियस नहीं होगा। तो इसकी ये जो थ्योरी है इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन के क्वेश्चन अवकलन समीकरण को हल कैसे करना है। तो मान लो हमको एक होमोजेनियस फंक्शन यह दिया हुआ है, क्लियर। अब इसमें हल करने के लिए हम y इक्वल टू बी एक्स लेकर चलेंगे तो dy बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको पुट करके सेपरेशन मेथड से एक्स के एक्स की टर्म को एक तरफ ले आएंगे और वी की टर्म को एक तरफ ले आएंगे ये इस तरह से, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो ये इसकी प्रोसेस है। अब हम इसको प्रोसेस को यूज करते हुए क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमको सबसे पहले यह चेक करना है कि ये होमोजेनियस के नहीं है। तो आप देखेंगे होमोजेनियस के लिए इनमें पदों की घात वेरिएबल्स की घात दो है और नीचे भी वेरिएबल्स की घात दो है, ठीक है। तो यह होमोजेनियस है। और होमोजेनियस को टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई, अगर ये टेस्ट करने पर आता है तो ये होमोजेनियस होगा। तो ये स्पष्ट है कि होमोजेनियस है। अब यहां पर हम रखेंगे, पुट करेंगे वाई इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वी एक्स और एक्स डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जी मान इस समीकरण नंबर से क्या हो जाएगा, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है। इसमें से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचा वन प्लस अपॉन, यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा वन प्लस बी, इसको कैंसिल कर दिया, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी। तो यह आ जाएगा आपका वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। तो यह माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम यहां ले आते हैं लेफ्ट में, तो वन प्लस वी अपॉन
वन माइनस बी इंटू डी बी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स, और इसके साथ हम इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेशन। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसका हल आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन सभी बच्चे कर लेते हैं, तो यहां पर चूंकि जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, तुझे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है डी बाय बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। हम क्या कर रहे थे कि y इक्वल टू बी एक्स पुट किया, तो क्या मिल जाएगा आपको डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस एक से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स वाई के स्थान पर वी एक्स अपॉन एक्स, तो x कॉमन निकल गया, 1 प्लस v अपॉन x, x x कैंसिल इक्वल टू 1 प्लस v। तो यह b और यह v कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहां पर db इक्वल टू डी एक्स अपॉन x। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा v इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है, और v कितना होता है y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c। तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा x log x प्लस cx, यह आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।